और आवाम क्या हाल चाल। तो ये वीडियो मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर डेडिकेटेड है, जिसका टाइटल था नेवर लीव समवन फॉर वन मिस्टेक, कभी भी किसी भी इंसान को एक गलती के लिए मत छोड़ना। इस वीडियो का टाइटल है एक्सेप्ट द सॉरी, लोगों की अपॉलोजी को एक्सेप्ट करना सीखें। देखिए मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, देखिए मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आपके बहुत लोग होते हैं, बहुत रिलेशनशिप होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके यार होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर कभी भी किसी भी इंसान से कोई गलती हो गई तो उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट करें, उसकी अपॉलोजी को एक्सेप्ट करें। कितनी दफ़ा क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ये करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दोस्त से गलती हो गई, ठीक है, कोई छोटी गलती होगी, कोई बड़ी गलती होगी, मतलब मेरे कहने का गलती होगी, ठीक है, वो आ रहा है आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपके आगे गिड़गिड़ा रहा है, आपको कह रहा है माफ़ कर दो मुझे, लेकिन आप हैं आप बोलते हैं नहीं मैंने तो माफ़ नहीं करना तेरे को, मैंने तो माफ़ नहीं करना और मैंने तो ये दोस्ती तोड़ देनी है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये सब बताया था, ठीक है। देखें ज़िंदगी में गलतियाँ सब करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, जो ये वीडियो देख रहे सारे करेंगे, लाइक देख लें इंसान सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा मालूम है आपको कौन होता है, उनमें सबसे बड़ा वो होता है ना जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उसके लिए माफ़ी मांगने आता है। अगर आपसे कोई माफ़ी मांगने आ रहा है ना तो फ़ख्र करें या प्राउड फील करें कि वो इंसान आपकी इस दोस्ती की कदर करता है, इस रिलेशनशिप की कदर करता है कि वो आगे आ रहा है माफ़ी मांगने के लिए। लोग तो माफ़ी भी नहीं मांगते अपनी गलतियां करके, लोग तो गलतियां करते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने गलत क्या किया, लेकिन जिस इंसान में इतने गट्स हैं, इतनी हिम्मत है कि वो आपके आगे आए और कहे कि हाँ अहमद मुझे माफ़ कर दो, या आपका नाम हो गया, या कोई मतलब मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, मैंने बुरा किया, इसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ आपसे, तो उस बंदे की माफ़ी को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो जो इंसान है ना, अगला इंसान इस रिश्ते को बचाना चाहता है। दुनिया में ज़्यादा लोग नहीं होते जो रिश्ते बचाते हैं आजकल, एक गलती होती है छोड़ देते, मैंने लास्ट वीडियो में सब कहा, ठीक है, लेकिन अगर किसी में इतनी हिम्मत है ना कि आपके पास आ रहा है और कह रहा है माफ़ कर दो मुझे, इस दोस्ती को चलाते रहते हैं, हम सब इंसान, हमसे गलतियाँ होती रहती, तो उसकी जो है ना अपॉलोजी को, उसके सॉरी कहने को एक्सेप्ट करें और ख़ुशी से एक्सेप्ट करें और उसके साथ और अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि उस इंसान में इतनी हिम्मत हुई कि वो आपके पास आया और आकर उसने आपसे माफ़ी मांगी। ज़िंदगी में अगर आपको रिश्ते चलाने, ज़िंदगी में दोस्तियाँ चलाने, ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप चलाने हैं ना, तो माफ़ी मांगा भी करें और माफ़ी एक्सेप्ट भी किया करें। माफ़ी मांगने से या माफ़ी क्या बोलें आप, किसी की माफ़ी एक्सेप्ट करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाती, ये दिखाता है कि आपको उस इंसान की कितनी कदर है, उस रिश्ते की कितनी कदर है। इसीलिए कोई भी आपसे सॉरी बोलता है, छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो, कुछ भी हो, तो उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट करें, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ ही जो रिश्ते होते हैं ना जो चलते हैं लंबे वक्त तक, उन रिश्तों को ताकि आप चला सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है या वीडियो की एक भी बात के साथ आप एग्री करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।